अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर चुप कराने के लिए बड़ी रकम ट्रांसफर किए जाने के मामले में खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा है कि उनका बस एक अपराध उन लोगों से देश की रक्षा करने की प्रतिबद्धता है जो इसे तबाह करना चाहते हैं। ये मामला कथित तौर पर डेनियल्स को किए गए $1.3 लाख के भुगतान में ट्रंप की भूमिका की जांच से जुड़ा है। दावा है कि यह भुगतान इसलिए किया गया ताकि डेनियल्स रिपब्लिकन नेता ट्रंप से अपने कथित यौन संबंधों पर चुप रहें। पिछले दिनों इस मामले में मैनहट्टन ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने का फैसला किया था। इसके बाद ट्रंप ने मंगलवार को मामले में मैनहट्टन की एक अदालत में पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करने संबंधी 34 संगीन आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। इससे पहले मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के ऑफिस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में सुनवाई के बाद ट्रंप फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में अपने आवास पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 25 मिनट के भाषण में पहले की गई कई बातों को दोहराया और कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश रची है ताकि उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से रोका जा सके। आपको बता दें कि ट्रंप ने 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा, मेरा बस एक अपराध ये है कि मैं इस देश को नष्ट करने की मंशा रखने वाले लोगों से बिना डरे देश की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। ट्रंप ने उन पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो फर्जी मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं साफ बताना चाहता हूं कि मैं निर्दोष हूं। ट्रंप ने अपने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा, मैं इससे ज्यादा दृढ़ निश्चयी पहले कभी नहीं रहा जितना मैं अभी हूं। वे मुझे हरा नहीं पाएंगे, वे मुझे तोड़ नहीं पाएंगे, वे इस देश की रक्षा करने के लिए लड़ने से मुझे नहीं रोक पाएंगे। आपको बता दें कि गहरे नीले रंग का सूट और लाल टाई पहने ट्रंप अदालत में गए और उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूँ। वो लगभग पूरी सुनवाई में शांत बैठे रहे और जरूरत पड़ने पर ही बोले। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ सुनवाई के मद्देनजर पूरे न्यूयॉर्क में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। खासतौर पर मैनहट्टन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे क्योंकि भारी संख्या में ट्रंप समर्थक शहर में जमा हो गए थे। इस बीच व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क में हो रहे घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि ये कानूनी मामला है।